विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो, कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके बैठा तो है, यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा, हाँ मैंने नवनव की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो, दो मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी, छोटी सी भी क्यों ना महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ, जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है, हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे।
सभी अपनी शक्तियों को पहचाने, जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशा युक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे।
अंत में अपने तप का बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से। वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इन लोगों को वो कला सिखाई जाए जिससे वो खुद अपने दुखों से मुक्त होना सीख जाएं। जैसे ही काश का विचार हमें कैसे दुख देता है, और उदाहरणों से समझ में आएगा क्या क्या विचार लोग रखते हैं। स्कूल में आप ऐसे लिखते थे, निबंध लिखने के लिए कहा जाता था, काश मैं ये होता। तो आप कौन सा चुनते थे तब? काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता? फिर लोग लिखते हैं, फिर मैं ये करता, फिर ये करता, फिर ये करता। तो वहां पर तो आपको मार्क्स मिली, वहां पर आपको मार्क्स मिली, आपने लिखा। तो जब तक मार्क्स मिल रही है काश को रखो, मार्क्स मिल रही है तो रखो काश, मगर फेल हो रहे हो, दुख पास, आनंद फेल, तो क्या जरूरत है? स्कूल में ऐसे लिखे आपने काश पर अच्छे लिखे, और वो लिखते तो आपको आनंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था, मगर आप जो जीवन में काश कहते हो उससे क्या आनंद आता है? काश मेरे सास की भी सास होती तो उसको पता चलता। और सास कहती है काश मेरी बहू गऊ होती। फलां की देखो कैसी बहू है, सुशील गऊ है एकदम, कुछ बोलती नहीं, कुछ भी कहो, कितने भी ताने दो, कुछ बोलती नहीं, इसका मुंह खुला हुआ रहता हमेशा। काश ऐसी बहू होती, सास को भी सास होती। तो सभी की अपनी अपनी काश है। आपको मनन करना है मेरे लिए कौन सा काश है, कि बहू के लिए वही एक जीवन है, सास के लिए वही एक जीवन है, तो उनको उसी एरिया से मिलने वाला है विचार जो ओवरटेक करने वाला है, जो दुख देने वाला है। अगर वे ठान ले कि हम इन दुखों से मुक्त होना चाहते, जो भी परिवार ये ठान लेता है उसमें तो प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति होती है। हम कितना खो रहे हैं इंसान को पता ही नहीं होता। बातचीत होना जरूरी है, तो पहले तो खुद के साथ बातचीत, क्योंकि खुद क्लियर हुआ रहेगा तो दूसरों को क्लियरिटी दे सकता है। तो आपने निबंध कौन से लिखे, कुछ मनन चल रहा होगा, और आपका काश क्या है, एग्जाम्पल से आपको बताया जा रहा कि कौन सा काश है जिससे आपको दुख होता है। सास का अलग है, बहू का अलग है, एक लड़की है उसका अलग है। स्कूल में तो हम एक इमेजिनरी करते थे, काश में पहाड़ होता, तो इमेजिनरी, फिर ऐसा होता वैसा होता, जिसमें देखा जाता बच्चे की उड़ान कैसी है, सोच की उड़ान, कल्पना की उड़ान, उसका दिमाग कैसे चलता है, उस पर मार्क्स होती थी। मगर दिमाग चलना तो शुरू हो गया, मगर बंद ही नहीं हुआ कभी वापस। ऐसा चल पड़ा, ऐसी कथाएं बनाना सीख गया। अब जीवन में वो कथाएं तकलीफ दे रही है।
तो हम अपने आप से पूछें, मेरी कथा क्या है, मेरा काश क्या है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।